हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और खबर बताने वाली हूं, जिसे सुनने के बाद से ये है कि यदि इस प्रकार की समस्या आपके सामने भी आ रही है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी कि अगर ऐसी समस्या हमारे साथ आती है तो हम इस समस्या से कैसे निपटे, इस समस्या से जो है कि निकलने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी सेविका बहनों के पास जो है कि ज़रूरी जानकारी पहुँच पाए, जो कि वो आने वाली समस्याओं से बच सके और समस्याओं से जो है कि निकलने का उन्हें रास्ता प्राप्त हो। हम ही लोगों के बीच में एक हमारी सेविका बहन थी जिनके कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है कि ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया था, यानी कि उसमें उनके सामान के साथ ही जो है कि ताला बंद कर दिया था कि आप इसमें आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन ना करें। उस सेविका बहन ने जो है कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र को इतने प्यारे तरीके से सजाया था, अपने हाथों से संवारा था, और चूंकि सामुदायिक भवन होने के कारण दबंगों ने उसमें ताला बंद कर लिया, क्योंकि उस सेविका से हो सकता है कि किसी भी प्रकार का जाति दुश्मनी हो चाहे जो भी हो, जिस वजह से उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला बंद कर दिया था। लेकिन इस सेविका बहन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने इसकी सूचना जो है कि सबसे पहले अपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया और उनके दिशा निर्देश अनुसार ही, यानी कि उन्होंने जिस प्रकार से सबसे पहले तो जो है कि महिला पर्यवेक्षिका CDPO खुद गई ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, ग्रामीणों ने नहीं बात समझा तो जो है कि सेविका ने अपने CDPO मैम के आदेश से जो है कि DM सर को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें जो है कि अपने परेशानियों का अपने विवरण का जो है कि पूरी जानकारी दी। इसके पश्चात जो है कि DM सर ने उसे संज्ञान में लिया। CO साहब को 2-3 बार भेजा गया, लेकिन CO सर के जाने के बावजूद भी जो है कि दबंगों ने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला। सेविका ने पुनः हिम्मत किया और पुनः वह जो है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास, DM सर के पास, जिलाधिकारी के पास वो पहुंची और अपना ज्ञापन सौंपा। और देखिए आज यहाँ इस आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठ के बच्चे खा रहे हैं। उस सेविका बहन की हिम्मत को हम लोग दाद देते हैं कि उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और जो है कि बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही अच्छे से ईमानदारी पूर्वक जो है कि अपने मकसद पे जुटी रही और अपना आंगनबाड़ी केंद्र उन्होंने पुनः प्राप्त किया। मैं आप लोगों को बताऊं कि इस प्रकार की समस्या आती है तो आप भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, जो काम है हम लोग कागजी कार्रवाई के अनुसार करेंगे। उन्होंने जो है कि अपना आवेदन लेकर के फिर पुनः DM सर के पास गई। DM सर ने तुरंत संज्ञान में लिया और जो है कि थाना प्रभारी के माध्यम से वहाँ पे पुलिस व्यवस्था आई, दल बल के साथ जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र को खुलवाया गया। और यहाँ देखिए आज कितने सारे बच्चे कितने खुशी के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया, उस सेविका के हिम्मत की अगर आप लोगों भी तारीफ करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।